सर हमने सुना है कि आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है बैरिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा समझे कि हमारा जैकपॉट लग गया है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतनी बड़ी लैंड पे आज से पहले बैरिया टाउन कराची में किसी ने भी नहीं दिया। इससे पहले हम हाई राइज पे काम करते रहे हैं, लेकिन हमारी हाउसिंग की तरफ आने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि डिमांड। आपने देखा होगा कि आप जब भी बैरिया चाहे विजिट पे आए या किसी के घर मेहमान बन के आए, तो वहां पर आपने विलास बने हुए देखे होंगे जो कि एक जैसे बने हुए हैं। तो ये भी सुनने को मिला होगा कि ये बैरिया टाउन कराची ने आज से 10 साल पहले इंस्टॉलमेंट पे दिए थे। आज की डेट में अगर आप वो विलास परचेज करने जाते हैं, या तो आपको वन शॉट पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी, या तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना प्लॉट परचेज करें और उसके बाद क्या करें कि आप उस पर अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाते हैं। बैरिया टाउन कराची में स्मार्ट विलेज की एक बड़ी हाइप क्रिएट थी, आप तक जरूर ये बात आई होगी ये स्मार्ट विलेज है क्या। अब बेसिकली इसमें हमने 125 गज के विलास दिए हैं, और ये जस्ट विलास नहीं, ये पूरी हम कम्युनिटी बना रहे जा रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी सारी एमिनिटीज़ भी देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ कि अगर आप आज की डेट में, यानी कि आपके पास अगर वन शॉट पेमेंट नहीं है, आप उस बात को साइड पर रखते हैं, अगर आप अपना प्लॉट लेकर उस पर घर बनाने जा रहे हैं, उसका और इसका कंपैरिजन क्या है? देखें, सबसे पहले कि कंपैरिजन तो है ही नहीं, क्योंकि जो हमने इसमें डील दी है इसमें काफ़ी सारी एमिनिटीज़ ऐसी हैं जो कि बैरिया की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं दी है। सारी चीज़ों का मुकाबला हो सकता है, लेकिन जो हम एमिनिटीज़ और ये जो इसमें हम कम्युनिटी में जो सहूलियात देने जा रहे हैं, तो उसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपना प्लॉट लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको प्लॉट परचेज करना पड़ेगा, और उसके बाद आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ेगी, जो कि तकरीबन 5 लाख रुपए की वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, और 42 लाख रुपए की उस लोकेशन पे आपको प्लॉट मिलेगा जहां हम ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं। ये बैरिया टाउन कराची का सबसे पहला प्रेसिडेंट है जहां पर 125 गज की कटिंग स्टार्ट हो रही है। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है आज की डेट में बैरिया में 125 गज की मिला की, यानी कि स्टार्ट में कम से कम भी आपने 70 लाख रुपए तो देने ही देने, और टोटल आपकी कोई कॉस्ट आ जाती है 1.55 करोड़ या जो है 57 लाख रुपए ऐसे कुछ कॉस्ट आ जाती है। उसी जगह पे हम ये जो डील देने जा रहे हैं, वहां पर आपसे सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए में आपका प्लॉट और आपकी विला की कंस्ट्रक्शन की हम बुकिंग ले रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? अब इसमें ये है कि वहां पर जहां आप अपना घर बना रहे हैं, तो वहां पर आपको 24 मंथ का पीरियड मिलेगा। अगर आप उसमें अपने जो काम है उसको फाइनल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको पेनल्टी, हैवी पेनल्टी जो है ना पे करनी होगी बैरिया को, जो कि तकरीबन 5 लाख रुपए, नहीं तो आपका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 साल का पेमेंट टाइम मिल रहा है, यानी कि जहाँ आप अपना प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं 45 लाख रुपए का, सारी चीज़ों को छोड़े आप सिर्फ प्लॉट से भी कम कीमत में आपकी विला की कंस्ट्रक्शन और आपके जो प्लॉट है उसकी बुकिंग हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये मिल रही है आपको कि ये विद बैलेटिंग आपको प्लॉट नंबर अलॉट किया जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ ये कि, और उसके अलावा बिजली का सारे रोना रो रहे, आपको बिजली से भी छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 5 kV का सोलर सिस्टम आपकी विला के ऊपर जो है इंस्टॉल करके देंगे। शटल सर्विस आपको दी जा रही है 24/7 आपके लिए, एम्बुलेंस और क्लिनिक एमरजेंसी के तहत आपके वहाँ पर जो है ना मौजूद होगी। ऑन कॉल आपके यहाँ पर सर्वेंट भी होगा, अगर आप अपना मुलाजिम नहीं लाते, आपके पास मुलाजिम नहीं है, तो इसमें आपके ये कि कम्युनिटी की तरफ से आपको सर्वेंट क्वार्टर भी दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप किसी के पास भी बैरिया में इवन अगर आप घूमने जाते हैं या आप किसी इवेंट पर जाते हैं, तो अगर 5 से 7 लोगों का इवेंट है तो वो घर में हो जाता है। अदरवाइज कोई 40-50 लोगों का इवेंट होता है तो वो बाहर या तो सिटी की तरफ इवेंट रखते हैं, या तो बैरिया में कोई उनको मतलब कि जो है ना ऑडिटोरियम बुक करवाना पड़ता है, या काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर उनको हैवी मतलब पे करना होता है और काफ़ी सारी पंचायतें देखनी पड़ती हैं। लेकिन इस चीज़ से भी आपका छुटकारा है। यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं कम्युनिटी हॉल, जहाँ पर आप अपना छोटा बड़ा इवेंट, खुशी गमी, कोई भी चीज़ आप वहाँ पर आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? मज़ीद अगर आप इसके रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है ना नंबर आ रहा है, और उसके अलावा स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि आप बैरिया विजिट पे आएँ, आप कॉल करें, हमारी टीम से रब्ता करें, आपको बैरिया विजिट करवाएंगे, आपको साइट विजिट करवाएंगे। अगर आपका प्लान बनता है तो ये चीज़ आपको जो है ना इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी डील आपकी जो है ना बनाई जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रही है कि इसकी डेवलपमेंट का काम फाइनल हो चुका है। आज से 2 महीने पहले हमने साइट पर वीडियो बनाई थी कि बिल्कुल सिर्फ खाली ज़मीन थी, आज की डेट में जाएँ तो आपको वहाँ पर डेवलपमेंट मिलेगी। वहाँ पर जितना भी उसका सेवरेज का सिस्टम है, उसके अलावा उसकी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, जो इंटरनेट केबल्स, जो भी मतलब वो चीज़ें होती हैं, वो उन्होंने फाइनल कर दी है। इंशाल्लाह विद इन अ मंथ आपकी जो विला का काम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, और लिमिटेड से यूनिट अवेलेबल हैं। और इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये मिल रही है कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो मेन जिना एवेन्यू पे ही प्रोजेक्ट है। लोग काफ़ी सारा कहते हैं यार मेन जिना के करीब प्रोजेक्ट, ये मेन जिना एवेन्यू का एवेन्यू 16 का प्रोजेक्ट है।